हाँ जी जुड़ गए सारे, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब, अच्छा भी नहीं किया पहले, अच्छा जो मैं पहले बात बताता हूँ वो मोटिवेशन वाली। हाँ बड़े बच्चे बोलते हैं, चलो देखो मेरी बात सुनो भाई, देखो अब समय अपने पास वो नहीं है कि हम ना थोड़ा लड़ाई झगड़े के मूड में हो। कहने का मतलब है मैं डांटने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हो, आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया कहें तो, है ना। तो ये बात मुझे ना बोलनी पड़े बार बार कि भैया तैयारी शुरू कर लो, तैयारी शुरू कर लो, बिकॉज ये जो लिखे ना CSAT, इसके ऊपर आपका एक साल निर्भर कर रहा है, पूरा का पूरा एक साल निर्भर कर रहा है इसके ऊपर, एक साल। क्यों भाई एक साल क्यों, ऐसा क्यों बोला सर आपने? क्योंकि अगर ये क्लियर ही नहीं हुआ ना, नई नंबर आया ना भैया, तो टाटा बाय बाय, एक साल गया। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे, बिकॉज अभी भी सीरियसनेस है नहीं उतनी, अभी भी मुझे इतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट जो बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में चले हुए कि हाँ तैयारी शुरू करेंगे, नया साल आएगा, इनिशिएटिव लेंगे, मतलब आप लोग उनमें से हो गया भाई, नया नई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अब मुझे CSAT की तैयारी शुरू करनी है, अब मुझे टॉप करना है, क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, टॉप टूप तो दूर की बात है, क्वालिफिकेशन ही बहुत दूर भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो बात नहीं है कि आपने 1.5-2 महीने पढ़ो और पेपर देने चले गए सिलेक्टेड ड्रॉप करके, UPSC करिए, ऐसे स्टूडेंट मुझे, ऐसे नॉन सीरियस एस्पिरेंट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए सीरियस। मैं आगे उन्हीं को जाने दूंगा या जान दूंगी मेंस के लिए, जो बच्चा सीरियस होगा, जो मुझे अच्छा करके दिखाएगा, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर CSAT में मार्क्स अच्छे हुए, अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, जो बच्चे कर चुके हैं दिखाऊंगा एंड में, कितने सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेके गए हैं, उनके स्वर्णिम शब्द भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ अब समय आ गया करने के लिए तैयारी। चलिए परसेंटेज टॉप है वे, बट उसके पहले अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप आएँ और अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये है नो बुक नो नोट्स प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ नहीं खरीदना, कोई आपको किताब नहीं खरीदनी, कोई आपको नोट्स नहीं करना, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं मिलेगा, यहीं नोट्स बनवाएंगे आपसे, ठीक है। देखो भाई क्या है, ये जो बैच है मेरे पास CSAT का न्यू बैच है, इसकी टाइमिंग है मेरे पास 3 से लेकर 4:30, क्लियर। ये बैच क्या है, ये हफ्ते में 4 दिन चल रहा है, टोटल लेक्चर 180 से ज़्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया, पार्ट ए में आपके पास 90 लेक्चर हैं और पार्ट बी में आपके क्या है 90+ लेक्चर हैं, इस तरीके से कुछ इसको तोड़ा गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है, मतलब अगर आप हमारे हेड सेंटर के आसपास हैं तो आप यहाँ पे आके क्लासेस लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑनलाइन भी अपील कर सकते हैं घर बैठे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, क्लियर। बड़े सारे लिंक है, धीरे धीरे करके बताऊंगा। और ये 90 लेक्चर किस रूप में है, देखो बेटा जो 90 लेक्चर ये वाले मिल रहे हैं ना आपको, ये वाले लाइव बैच वाले, उसमें 50 एप्टीट्यूड के, 50 से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, 2-3 मुझे पता ही है, 5 भी हो सकते हैं, 25 लॉजिकल रीजनिंग के और 15 आपके पास है इंग्लिश के लेक्चर्स, क्लियर। प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने आपके पास, 15। ये 90+ वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ, पार्ट बी वाले। MCQ प्रैक्टिस सेशन कितने हैं, 50+। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके पास, 30+। तो ये आपके पास है, कोई डाउट हो ना तो 9517771651 पे कॉल या मैसेज कर दो, संकोच मत कीजिए, घबराइए मत, बात कीजिए, क्लियर। अभी इतना तो मैंने बता दिया बैच की डिटेल, अभी इस बैच में और क्या क्या स्पेशल आपको मिल रहा है, देखो सबसे पहले बेटा आपको मिलता है वीकली शेड्यूल, ठीक है। अच्छा ये वीकली शेड्यूल मिल गया, अब इस वीकली शेड्यूल में क्या क्या खास है आपके पास, सपोज करो जो आपका लेक्चर है वो पोर्टल पे शो हो गया, इस लेक्चर में क्या मिल रहा है, जी हाँ डेप्थ में बताऊंगा पूरा खोल के कि आपको क्या मिलने वाला है इस लेक्चर में, क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मिलेगी लेक्चर की PDF, मतलब वो PDF जो हमने क्लास में डिस्कशन करनी है। सपोज कीजिए जैसे परसेंटेज है, तो अगर परसेंटेज का मैं लेक्चर आपके पास लाने वाला हूँ, तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन जैसे कॉन्सेप्ट मैंने कराने हैं वो आपके पास ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए ठीक है, नंबर 1 पे लेक्चर PDF, नंबर 2 पे होगा भाई रिसोर्सेज।
अब रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज चैप्टर का वो पार्ट है जिसके अंदर ना कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं, कुछ डिटेल्ड आपके पास डेफिनेशंस हो सकती है बेटा, कुछ छोटे मोटे ट्रिक हो सकते हैं जिसके थ्रू क्वेश्चंस को समझाया जाएगा और उस चैप्टर की बेटर नॉलेज के लिए आपको दिए जाएंगे वो। क्लियर? नंबर तीन पे क्या आपके पास प्रैक्टिस शीट। जैसे ही मैंने क्वेश्चन आज क्लास में करवाए, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। और उसकी डिस्कशन कब होती है, ये भाई 4:30 से 5 बजे, यानी ये जो मेरा 30 मिनट का टाइम है ना, ये जो अपना 30 मिनट का टाइम है ना, ये किस में जाएगा, ये डिस्कशन कम डाउट सेशन आपका। क्लियर? तो साथ के साथ ही हम डाउट्स को क्लियर करें, चाहे वो क्लास के डाउट्स हो, चाहे वो बेटा प्रैक्टिस शीट के डाउट हो, साथ के साथ ही दोनों डाउट्स को हम इसको यहीं के यहीं क्लियर कर देते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो इसको। क्लियर? उसके बाद आता है आपका वीकली टेस्ट। उसके बाद आता है आपका वीकली टेस्ट जो हर संडे को होता है 1 बजे, पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, या तो वहां से इसको कर सकते हैं अवेल, या आप ऑफलाइन आके ले सकते हैं और प्रिंट आउट और आराम से बैठ के वहां पे दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे करिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सोल्यूशन मैक्सिमम जगह पे ना इसका सोल्यूशन देते हैं टाइप्ड फॉर्म में कि भैया कर लीजिए, बट हम इसका सोल्यूशन कैसे देते हैं, वीडियो सोल्यूशन आता है इसका, वीडियो सोल्यूशन होता है इसका। और अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम के ना, ऑलमोस्ट हमने 2015 से लेके ना 2021 तक के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की सोची है कि कवर करें 2021-22 तक के, 23 का तो पूरा पेपर ही डिस्कशन करना है हमने। क्लियर? तो ये है इस बैच की डिटेल। तो भैया ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपका अपना घाटा है। 9517771658 इस नंबर पर कॉल करो या व्हाट्सएप करो, जो आपकी इच्छा है बेटा वो कीजिए, बट जल्दी कीजिए, मत करो वेट उन बच्चों की तरह जिन्होंने यूपीएससी का सिर्फ ढिंडोरा पीट रखा कि मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना। अगर इतना यूपीएससी करना है ना, तो उन बच्चों की कतार में आओ जो क्वालिफिकेशन की रेस में है ही नहीं। आप लोग अभी भी पता क्वालिफिकेशन की रेस में कि मुझे क्वालिफाई करना नहीं, मेरे पास आओ यार, मैं आपको कह रहा हूँ 100+ मार्क्स की तरफ लेके जाऊंगा, बातें खत्म होगी। अब 100+ नंबर आने तो फिर क्यों डरना है, समझ आ गई बात? फिर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यार सी सेट में स्कोर किया मैंने, मेंस में भी अच्छा करेंगे। क्लियर? तो फिर बी एनर्जेटिक, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हाँ मुझे करना है। तो चलिए बेटा, और नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? ताकि आने वाले कोई वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई PDF हो तो आप इसको आराम से देख सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब है मेरे पास जो परसेंटेज ऑफ है उसका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। आपने देखा होगा एक नंबर्स वाला अभी मैं थोड़े दिन पहले लेके आया हूँ, एक दो शायद आपको एक दो दिन पहले मिला हुआ सेशन, वो बहुत अच्छा था और ये भी काफ़ी अच्छा है। 25% हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 वाई। अब देखो ये क्वेश्चन इतना खास क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स यानी एक्स का हाफ, यानी एक्स का हाफ और इसका कितना है 25%। क्लियर? इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ, यानी वाई का 1/4, यानी वाई बाय 4 इसका 30%, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है इसका 2.5 टाइम्स, यानी कितना समझो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? मैंने क्या बात की, मैंने सिंपल जो लैंग्वेज दी है ना वो, अगर उसको 2.5 टाइम्स करोगे तो इसका मतलब क्या कि इनका जो रेशो है वो मेरे पास 1:2.5:1 में दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिए परसेंटेज से बेटा, परसेंटेज कटा 5×5=25, 5×6=31, 5 से कटा 5, ठीक है, और 2 और ये 3 और ये 2 से कटा 2, तो कितना बचा मेरे पास एक्स अपॉन वाई, अगर इस 3 को इतने लेके जाऊँ 3/2, बस सिंपल सी बात, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया मेरा 3/2। क्या दिया, देन एक्स इज व्हाट परसेंट इज मोर और लेस देन वाई। अगर मैं बात करूं एक्स मेरा कितना, देखो एक्स है मेरा 3, वाई कितना है 2, तो डेफिनेटली जो मेरा एक्स है वो कितना ज़्यादा है 1, किससे वाई से, वाई कितना है 2 गुना ऑफ, ये समझो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, ये आपने अच्छे से समझनी है। तो ऑप्शन नंबर बी 50% मोर इज द राइट आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, करेंगे तो और उत्साहित होगे हम, आप अच्छे तरीके से और काम कर पाएंगे। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं।
चलिए जी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेंड 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेंड 20% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी ऑब्टेंड 32% लेस मार्क्स देन डी. इफ ए ऑब्टेंड 272 मोर मार्क्स देन सी देन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय बी. बहुत 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 प्यारा प्रश्न है. देखो सबसे पहले 10%, इसकी वैल्यू 1/10, क्लियर है. 20% 20/100 यानी कितना, 1/5, लेस मोर की तो बात की बात है ये. 32% का मतलब क्या हुआ, 32/100 यानी 4 8 32 और 25 4 100 यानी 8/25, क्लियर. चलिए अब क्या क्या दिया है देखते हैं जरा. देखो ए रेशो बी, ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, इसका मतलब बी के अगर 10 हैं तो डेफिनेटली ए के कितने हो गए, 11. ये एक सिंपल सी बात मुझे जो है क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज दी हुई है वो मैंने ये करनी है. बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, अब बी और सी की बात की गई है, ये मेरी पहली परसेंटेज है, ये मेरी दूसरी परसेंटेज अब प्लॉट करनी है मैंने. क्या है बेटा, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो 20 का मतलब 1/5, बी ऑब्टेंड 20% मोर मार्क्स देन सी, अगर ये 5 है तो डेफिनेटली 6 होगा, सिंपल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं अभी तक. चलिए जी भाई डी की बात कर लें जरा, क्योंकि मैंने डी यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि सी और डी, सी ऑब्टेंड 32% लेस मार्क्स देन डी, तो डी के पास अगर 25 है तो इसमें से 8 कम कर दो कितना आ गया, 17. ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी आपको. देखो रेशो प्रोपोर्शन ऐसा चैप्टर है जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, दो ही तो चैप्टर करने वाले हमेशा, जैसे बोलता हूँ रेशो प्रोपोर्शन और आपका एक परसेंटेज, ये चैप्टर कर लो अच्छे से पकड़ बना लो, उसके बाद क्वांट में दुनिया आपकी है. चलिए भाई बेटा यहाँ पे आएगा 10, पड़ोसी को दोस्त बनाओ, 10 5 6 17 and 17, क्लियर. अब देखो उसने क्या बोला नेक्स्ट, इफ ए ऑब्टेंड 272 मोर मार्क्स देन सी. देखिए भाई 17 गुना 6 कितना हुआ, 102, 102 गुना 11 कितना हुआ, देखो 102 गुना 11 यानी 102 गुना 10 प्लस 1 यानी 1020 प्लस 102 यानी कितना हो गया, 1122, क्लियर. 1122 आगे नेक्स्ट क्या दिया, अच्छा बी के पास कितना है, 17 6 102 1020, सी के पास कितना है, 17 5 85 850, और डी के पास कितना, 55 125 1250. चलो जी अब वो क्वेश्चन में मुझसे कुछ भी पूछ ले, जो उसका दिल कर रहा है वो पूछ ले, मैं वो बता पाऊंगा, बिकॉज मैंने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकाल लिया. अब चाहे वो ए और बी का रिलेशन पूछ ले, बी और सी का पूछ ले, सी डी डी ए जिस मर्जी का पूछ ले, मेरे लिए सारे प्रश्न अब हल हो जाएंगे. क्या दिया देखो क्वेश्चन में, ए ऑब्टेंड 272 मोर मार्क्स देन सी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए और सी का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 272. यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, ए के पास है भाई 1122, इसके पास 850, यानी ये कितना है, 1000 से 122 ज़्यादा, और ये 1000 से कितना, 150 कम, तो डेफिनेटली डिफरेंस कितना आ गया, 272. तो अगर ये 272 तो क्या पूछा है, ऑप्टेंड बाई बी 1020, ऑप्शन नंबर सी 1020 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आप इजीली कर पा रहे हैं, क्लियर, सी बिल्कुल सही है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं एक ही बात मानता हूँ, अगर आप रेशो प्रोपोर्शन में थोड़ी सी भी सीरियस हो जाए ना तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ना फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम 2 से 3% में बच्चे अच्छा कर लेते हैं, बट 3 से जब 4 5 की बात आती है ना, सपोज करो डी ई भी दिया होता, एक क्वेश्चन है डी ई भी है उसमें, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी फिर दिक्कत वाली बात है. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आप ढंग से इसको अप्रोच करें, ढंग से इसको आप सॉल्व करें. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा. चलो जी ये भी इंपॉर्टेंट है, सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 1%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर इज. बहुत प्यारा प्रश्न है, मैंने काफ़ी इस तरह के प्रश्न आपको करवाए हैं, बहुत सारे हम इस तरह के प्रश्न पहले भी जो हमारी सीरीज है उसमें हम कर चुके हैं,
बट क्या आप उस अप्रोच को समझे या अभी भी आप वही एक्स वाई जेड वाली अप्रोच में फंसे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जितना क्वेश्चन आप सिंपल रख सकते हो ना उतना सिंपल लेके चलिए, कभी भी क्वेश्चन को एक दायरे के बाहर मत फेंकिए। आप लोग करते पता क्या है, आप लोग कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इक्वेशंस के तौर पे कि फिर वो क्वेश्चन हमारी रीच से बाहर हो जाता है और पेपर में जो टाइम वेस्ट होता है वो अलग से है। तो क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी चीज़ है नेचर में, वो हमेशा रिस्पेक्ट मांगती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सेम मार्क्स देगा किसी मुश्किल क्वेश्चन के साथ। तो आसान क्वेश्चन को हमेशा रिस्पेक्ट दो, मुश्किल क्वेश्चन को तुम देते हैं हाथ जोड़ के भैया आप जाइए निकल जाइए, है ना। बट आसान क्वेश्चन को भी रिस्पेक्ट देने, जैसे इसको अब हमें रिस्पेक्ट देने वाले हैं। कैसे सुरभि फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट देने का मतलब है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करना, एक ऐसे मेथड से करना जिससे जल्दी आंसर निकले। क्लियर, रिस्पेक्ट का मतलब ये है मेरा। चलिए भाई देखिए क्या दिए सुरभि फ्रेंड्स, 75% ऑफ इनकम। देखो सबसे पहली बात, इनकम होती क्या है, इनकम की अगर बात करूँ वो होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस ऑफ सेविंग्स, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग्स। आपने हमेशा क्या कर रहे हैं, अगर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है, इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अगर इनकम को 100 बोला वो क्या कह रहा है 75% ऑफ इनकम, स्पेंड्स का मतलब खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा 75 और सेविंग कितनी होगी मेरे पास 25। ये बताओ ये चीज़ क्या सबको क्लियर है, ये मुझे प्लीज़ आप बताइए क्या ये चीज़ क्लियर है। जी हाँ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप सबको। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में देखो क्या दिए, उसने क्या बोला इनकम इंक्रीज बाय 20%। देखो इनकम को ना 20% इसका 20% 100 का 20% 20 आएगा, तो इनकम कितनी होगी बेटा मेरी 120। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, वो कह रहा है इसकी सेविंग डिक्रीज होगी 1%, यानी 25 का 1% कितना होगा 25 गुना 1/100 0.25, तो उसमें माइनस कर दो कितना 0.25। आपने जब इसमें 0.25 माइनस किया तो कितना आई है 24.75। क्लियर। अब ध्यान से देखो करना क्या, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करो ना कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ो, कहने का मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ो। ये कितना है, ठीक है जी। अब देखो अब क्या करना है, अगर मेरे पास 120 में मैं के जमा करूं 24.75 आई, यानी ये कितना आएगा भाई 120 माइनस 24.75 ये कितना आ गया 95.25 आ गया। देखो 95 प्लस 25.75 यहां लिखो 96 और 400 और 20 120, तो इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर पहले 75 था वो कितना हो गया, जो एक्सपेंडिचर पहले आपका 75 था वो कितना हो गया मेरे पास 95.25। यानी आपको भाई 20.25 की बढ़ोतरी कितने पे 75 गुना 100%, तो 25 3 25 4 ये कितना बचाएगा 3 6 18 2 बचा 3 7 21 3 5 15, तो 6.75 इंटू 4 6 चौका 24.75 इंटू 4 इज 3, तो 24 + 3 कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए 27 इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अपनाते हो। भैया मैं तो सबसे आसान तरीका अपनाता हूँ, मैं फालतू में नहीं जाता। मैं देखो कर क्या रहा था, मेरे को क्या करना था 6.75 इंटू 4 करना था, मैंने इसको क्या समझा 6 + 0.75 इंटू 4 ये कितना हुआ 24 + 0.75 कितना होता है 3/4 इंटू 4, तो 24 + 3 कितना हो गया आपका 27। दैट्स इट, इतनी सी बात है ना। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है बट आप कैसे करेंगे डिपेंड करते हैं। चलिए जी बहुत 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 सुपर क्वेश्चन है, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज ₹43,000। मतलब ए और बी की जो भैया तनख्वाह है, जो सैलरीज है जो वो कमा रहे हैं, वो ऐड करके कितना है 43,000। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी, कि भैया ए 95% खर्च देता है और बी क्या खर्चता है 80% ऑफ सैलरी। नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया कि उनकी सेविंग समान है, व्हाट इज बी सैलरी, तो बी की सैलरी बताइए कैसे करेंगे।
हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू डू दैट। देखो उसने सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, ए प्लस बी कितना है 43,000 रुपीज, क्लियर। ए स्पेंड्स 95% ऑफ सैलरी, मतलब अगर मैं ए की बात करूं, ए की सैलरी अगर 100% थी, उसने 95% स्पेंड कर दिया, तो सेविंग्स कितनी बची उसकी 5%, सिंपल, ठीक है। अगर वही मैं बी के लिए लेके चलूं, बी की भी अगर 100% टोटल इनकम थी या सैलरी थी, उसने 80% स्पेंड कर दिया, तो उसकी सेविंग्स कितनी बची 20%। और वो ये कह रहा है क्वेश्चन में भाई, ये सेम है, वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है इनमें सेम है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 20% ऑफ बी, सिंपल सी बात कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, यानी अगर ए क्या मैं 5% लेता हूँ और बी का 20% लेता हूँ, वो समान है, क्योंकि यही तो इनकी सेविंग्स है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है वो, क्लियर। तो ए बटा बी कितना आ गया मेरे पास 20/5, यानी कितना 4/1, क्लियर। था ए मेरे पास 4 और बी मेरे पास 1 है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 43,000, तो कितना हो गया 5/86/100 एक यूनिट की वैल्यू, क्लियर। अगर 8600 है, वो कह रहे बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी है भाई, अगर ए की 4 थी, बी की 1 है, तो बी की कितनी होगी 8600, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगर ए की पूछता वो कितना होता 8600 इंटू 4, तो ये कितना होता 8 8 32 32,000 6 24 3,44,00 34,400। अगर ए की पूछता तो ये, और बी की पूछता तो 8600 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये थे परसेंटेज के टॉप 5 जो हमने बड़ी इजी तरीके से किया, हमने कोई फालतू का इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना ही मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लैंग्वेज को पकड़ा और मैंने करना शुरू किया। एग्जाम में एक्चुअली करना यही होता है कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को पिक करना होता है जो आप इजीली कर पाएं। कैसे होगा वो, सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, पीस हेयर एंड प्रैक्टिस एंड पेशेंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास आपके लिए, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये मेरे पास पाई चार्ट का क्वेश्चन, सॉरी ये मेरे पास है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इफ 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट। देखो वो कह रहा है भाई, देखो मेरे पास दो हैं, एक है अपने पास कौन से वाला, इन एन एग्जामिनेशन 53% कैंडिडेट फेल इन साइंस। अगर मैं साइंस की बात करूं, 53% है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ये कितना है मेरे पास 48% फेल, ये 53 और ये 48, क्लियर। और वो कह रहा है भाई ये कौन सा होता है, कॉमन रीजन होता है आपका, ये कितना है मेरे पास 40, तो अगर ये टोटल था ये 40% रह गया, तो ये कितना रह गया 13%, ये टोटल 48 था ये कितना रह गया 8%, तो कितना आंसर आ गया मेरा, फेल कितने हुए 40, 10 50 3 53 53 + 8 कितना हुआ 61% फेल हो गए, तो बचे हुए 100 में से 61 फेल हुए, तो ऑप्शन नंबर बी 39 मेरे पास क्या होंगे भाई, पास होंगे, मैंने फेल ही निकाल दिया तो पास होंगे, क्लियर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रामबाण साबित हो सकता है आपकी तैयारी में। माइक्रो कोर्स क्या है आप सबको पता है, जिन्हों फिर भी मैं बताऊँगा क्योंकि मेरा काम है बताना, और आप सुनिए इसको और अमल कीजिए, जिन्होंने नहीं किया अमल प्लीज़ अमल कर लो। माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पूरे कोर्स को ना करके सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को कवर करना है। जी हाँ सही सुना, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, सब टॉपिक ऐसे DI कंप्लीट टॉपिक है, बट आपका लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, ये सारे के सारे क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, तो इनको भी आप इंडिविजुअली चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी के अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन सा लिंक होगा, फुल कोर्स का, आपके माइक्रो कोर्सेज का, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लियर।
चलिए आप करेंगे सबसे पहले चूज एग्जाम सिविल सेट, होम ऑफिस का सी सेट। यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे बच्चों आपको, यहाँ वीडियो कोर्सेज या टेस्ट कोर्सेज और यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? जब यहाँ पे 10 डिग्री का मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉल भी है, व्हाट्सअप करेंगे तो इंक्वायरी जनरेट होगी, खुद टीम आपको अपने आप कॉल करेगी। क्लियर? जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ पूरा बंडल कितने का है? 3555 3555। अगर नंबर सिस्टम करना है, जो बहुत चर्चित विषय आज के समय का, कि नंबर सिस्टम को इजीली कैसे करें, तो 6 मिनट में तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। तो 6 मिनट का ट्रायल दिया गया आपको, क्यों खरीदें? क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का एक चैप्टर है और एक से डेढ़ घंटे का एक लेक्चर है और 10 धमाकेदार लेक्चर है। इसका मतलब कम से कम 15 से 20 घंटे का आपके पास क्या है? नंबर सिस्टम। इसमें अब क्या बचेगा आप खुद बताओ। क्लियर? आपके पास नो वेब नोट्स है, 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं आपके, इनको टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें जब आप अवेल करेंगे तो आपको पता चलेंगे। क्लियर? वेब नोट्स के आपके थ्योरी हो सकती है, कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं यहाँ पे, जो इस चैप्टर में यूज़ करने को मिलेंगे आपको। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन की बात करें, जैसे भी परसेंटेज हम अभी परसेंटेज डिस्कस करके थे, तो 167 रुपीज़ का परसेंटेज है बेटा, 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स हैं और आपके 277 इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सारे लेक्चर्स हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी DI की बात की मैंने आपसे, जैसे कि देखो लाइन चार्ट सिर्फ और सिर्फ 51 के एक लेक्चर में पूरा लाइन चार्ट आपके हाथ में है, एक वेब नोट्स और 134 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए। क्लियर? नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट बार चार्ट हो गया, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। जैसे पूरा बंडल 2640 का है, बट अगर करना है सिर्फ हमें पजल है या मुझे सिर्फ रैंकिंग एंड ऑर्डर करना है, जो कि दो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। पजल की बात करेंगे बेटा 21 से 22% आ रहा है, 245 का 17 लेक्चर्स हैं, 17 लेक्चर्स, यस आपने बिल्कुल सही जाना, 17 लेक्चर है, 7 वेब नोट्स और 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया आपका, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, क्यूब एंड डाइस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और 6 मिनट का ट्रायल हर एक वीडियो के साथ है, हर एक लेक्चर के साथ है, हर एक आपके माइक्रो कोर्स के साथ वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है और साथ में आपको यहाँ क्या मिल रहा है, एक 6 मिनट का ट्रायल देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, सिर्फ और सिर्फ 2 इसके अंदर आपको माइक्रो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास सी सेट की जो इंग्लिश है उसके अंदर सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो कि आता ही आता है। क्लियर? ऐसा नहीं हो कि कॉम्प्रिहेंशन ना है, आता ही आता है। मैं आपको एक जरूर एक राय दूंगा, अगर अच्छी लगे तो लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। अब एंटोनिम सिनोनिम जरूर करो, वर्ड बिल्डिंग साथ में जरूर करो, क्योंकि कई बार पैराग्राफ में ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते। तो यहाँ पे 157 MCQs में आपको कोर्सेज कवर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन एंटोनिम एंड सिनोनिम इन वेरियस एग्जाम्स, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके पास एक तरह से जमावड़ा इन 157 क्वेश्चंस में। क्लियर? और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है कॉम्प्रिहेंशन 6 लेक्चर है, 349 में, 1 वेब नोट्स और ऑलमोस्ट 970,000 के राउंड आपके पास क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर? तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कुछ चमचमाते सितारे जिनकी रोशनी सूर्य के समान है, जो आज के टाइम में अधिकारी बन चुके हैं। जैसे मैं बात करूं मिस्टर स्पर्श ऑल इंडिया रैंक AIR 51, अर्नव की बात करूं AIR ऑल इंडिया रैंक 56, जतिन की बात करें 91, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं। इन बच्चों की एक बात खास लगी, इन बच्चों में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, इन्होंने जितना अपना डेडिकेशन GS की तरफ दिखाया ना, उतना ही डेडिकेशन इक्विवेलेंट इन्होंने CSET को दिखाया, कि अगर हम CSET ना कर पाए तो हम जितना मर्जी पढ़ लें नहीं हो पाता। कितने सारे बच्चे ऐसे जो GS में स्कॉलर्स हैं, मतलब आप पूछो और आंसर तैयार है, बट CSET नहीं आता। CSET की वजह से वो क्या करते हैं फिर, यार मेरा तो आ रहा है मुझे CSET नहीं, फिर डीमोरलाइजेशन आती है, जबकि इतना मुश्किल नहीं है CSET। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं 0 से हीरो पे लेके जाऊंगा आपको, अर्श से, अब मतलब कहने का मतलब फर्श से आसमान की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बट आपको मुझे समय देना पड़ेगा। 2 महीनों में मैं आपकी कोई इतनी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी CSET नहीं आता, डर लगता है, तो सनी सर के पास आइए अभिमन्यु IAS पे, मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में क्वांट आपका पढ़ते कैसे, नंबर सिस्टम कैसे कवर करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं दिखाऊंगा आप, बट मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, जादूगरनी हूँ, टीचर हूँ, आपका लेवल पता करूंगा। कैसे पता चलेगा? आप जब आएंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, बातचीत होगी, क्वेश्चन स्केल आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उससे मुझे एक जजमेंट हो जाएगी, हाँ आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करेंगे। क्लियर? इन बच्चों ने भी इंप्रूवमेंट नहीं की थी बेटा, और ये इनकी इंप्रूवमेंट का क्या है जवाब है, ये इन बच्चों के शब्द हैं, स्वर्णिम शब्द हैं। स्वर्णिम शब्द क्यों? अभी IAS ऑफिसर हैं भैया, अधिकारी बन चुके हैं,
25 साल से 2200 से ज़्यादा सिलेक्शंस दी हैं, मजाक नहीं है, इतने सारे यहाँ से बच्चे निकले ऑफिसर बन के। तो प्लीज़ आप भी इस कोर्स को अवेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, माइक्रो कोर्स, फुल कोर्स और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों।